हाई फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू AMS 12 पे आप सभी का स्वागत है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के इस लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पे हमने कुछ सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखे हुए, इसके बारे में हम वर्कआउट करेंगे। कुछ का प्रूफ आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में हम इसमें कुछ करेंगे भी, और कुछ को अभी हम सिर्फ ये देखने का प्रयास करेंगे कि उनकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है। क्योंकि जब हम आगे वाले टर्म्स में एक्सपेंशन आने वाले लेक्चर में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, तो इन सभी एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन सब से हम वर्कआउट कर पाएंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे इस फंडामेंटल का पॉइंट आउट को हम कैसे रिमेंबर कर पाएँ, कैसे कर लें, इसको हमें समझना होगा। तो आइए हम इसकी बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। अदर थिंग्स, अगर मैं मेरे चैनल AMS 12 का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक भी दे दूंगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। किसी को ऐसा लगता होगा कि ये बुक से मैंने राइट डाउन कर दिए हैं, तो दैट बट रिमेंबर आपको करना है, क्योंकि बिना विदाउट इसके एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जनरली हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो व्हाट इज पहला एक्सपेंशन, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। ये सिंपल सा है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड एक्स पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये ध्यान रखिए, दैट इज अ फैक्टोरियल 7 है, और इनकी पावर जो होती है ऑड वाली चलती है, 1, 3, 5, 7 ऐसे अल्टरनेट चलता है आपका। इसी तरह इसका हाइपरबोलिक जब आता है, हाइपरबोलिक और इन दोनों में रिलेशन देखिए, यहाँ जब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, बट इस वाले में सब पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव साइन एच एक्स का जो होता है या कॉस एच एक्स का, वो पॉजिटिव ही होता है, इसकी वजह से ये वर्क हमें मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड समथिंग। दोनों को 5 इसलिए लिखा है क्योंकि आप दोनों में बेसिक डिफरेंस करना आप सीख जाएं। कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो अब कॉस एच एक्स, ये जो हमारा है कॉस एच एक्स, तो कॉस एच एक्स के बारे में हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है इसके बारे में हम देख लें। तो ये है हमारा कॉस एच एक्स का वर्क, ठीक। तो अब यहाँ में माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अल्टरनेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 4 और सॉरी एक्स पावर 4 फैक्टोरियल 4 एंड एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि कॉस वाले में यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे प्लस। अब आते हैं टेन की बात करते हैं, टेन एक्स, तो टेन एक्स में ऑल पॉजिटिव, एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स पावर 5 प्लस 17 अपॉन 315 एक्स क्यू समथिंग, ठीक है। इसको हमने प्रूव भी किया था पहले लेक्चर्स में। और टेन एच एक्स, तो टेन एच एक्स अब यहाँ पे एक अल्टरनेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो इस वाले सेंस में जब टेन एच एक्स की बात आएगी तो इसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव मिल जाएगा, एक्स एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फार्मूलों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है इनको रिमेंबर आपको रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ई पावर एक्स है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक। ई पावर ऑफ माइनस एक्स, तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इन सबको आप जो हमारा मैकलोरियन थ्योरम है उनसे सबको आप प्रूफ भी कर सकते हो, सारी वैल्यूज को फाइंड आउट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, लॉग एक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार एग्जिमम कहीं ना कहीं यूज मिल जाता है, लॉग 1 प्लस एक्स। तो एक्स माइनस, ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 है, माइनस पावर 4 बाई 4 है प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 1 माइनस एक्स, सभी माइनस निगेटिव, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव है बट यहाँ पे ऑल टर्म इज निगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। दोनों को पास लिखने का मेरा मकसद यही है कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस को आप समझें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव है और यहाँ पर सभी निगेटिव है। ये है बायनॉमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स पावर एन, मतलब किसी भी डिग्री की वैल्यूज़ को अगर हम निकालनी है तो ये हमारी है 1 प्लस एक्स रेस टू एन बायनॉमियल 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एन एक्स स्क्वायर
एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, थ्री अप टू एक्स क्यू अप टू डॉट डॉट। तो इसको हम बायनॉमियल कहते हैं, बायनॉमियल एक्सपेंशन। जब ये बायनॉमियल एक्सपेंशन का ही पार्ट है, ये टोटल कहाँ तक, यहाँ तक बायनॉमियल एक्सपेंशन है। वन प्लस और माइनस एक्स के पावर एन है इनके, तो वन माइनस एन एक्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव चलेगा। वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अप टू पी प्लस डॉट डॉट करके ये सारे रिजल्ट हमें मिलते जाएंगे। ठीक, अब ये वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार हम जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इसमें बहुत सारा यूजेस होता है। तो वन माइनस एक्स ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव निकले चलेगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर फोर। बट नेसेसरी कंडीशन दी है कि यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन वन होगी, वह एक से छोटी होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी, वन माइनस एक्स है तो जहाँ यहाँ भी माइनस और यहाँ भी पावर ऑफ माइनस है, तो दोनों सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, एंड ये जनरल एक्सपेंशन हमारा बायनॉमियल का x प्लस ए पावर n, तो एन सी जीरो एक्स के पावर n ए पावर ऑफ जीरो, एन सी वन एक्स इन दोनों का डिफरेंस इंटू ए, एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू ए स्क्वायर अप टू डॉट डॉट अप टू n तक, एन सी एन एक्स पावर n माइनस वन ए रेस टू n। अब इनवर्स वाले फंक्शन में हमने तीन लिख लिए हैं, टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत बार जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ये आता रहेगा आपका। तो tan इनवर्स x को याद रख लीजिएगा, x माइनस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपन फाइव माइनस एक्स रेस टू सेवन अपॉन सेवन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जो tan है ये थोड़ा डिफरेंसेस यहाँ पे अलग है, बट यहाँ पे अंदर फंक्शन इज अलग। ठीक है, sin इनवर्स x की बात करें तो x प्लस वन बाई टू एक्स क्यू बाई थ्री, इसका हम प्रूफ करेंगे जब आगे कंटिन्यू लेक्चर्स होगा, तो इन सभी का हम प्रूफ करने का एक प्रयास भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसा इसका एक्सपेंशन प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो साइन इनवर्स x, x प्लस वन बाई टू एक्स क्यू बाई थ्री, फिर इसके साथ में आएगा वन डॉट थ्री टू डॉट फोर एक्स पावर फाइव अपन फाइव प्लस वन डॉट थ्री डॉट फाइव टू फोर सिक्स एक्स पावर सेवन अपन सेवन एंड सो ऑन। और कॉस इनवर्स जस्ट इसी का होगा, बट यहाँ पे माइनस साइन है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे माइनस साइन के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये हमारा सेक, सेक एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव अपॉन एक्स फैक्टोरियल फोर एंड एक्स रेस टू फोर। अभी इससे पहले लेक्चर्स में हमने लेक्चर नंबर टू में इसकी वैल्यूज को निकाला हुआ है, प्रूव दैट। और एक जनरल या ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल का वर्क करेंगे तो ये चीज़ हमें पता हो कि हम इसका कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एग्जाम में, उस चीज़ को समझने के लिए दैट इज़ हियर। तो ये एक फंडामेंटल एक्सपेंशन है, कुछ रह गए होंगे तो उनको हम बेसिकली प्रॉब्लम का जब प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि और जो एक्सपेंशन हमारे पास रह गए हैं उन सबों को इम्प्लीमेंट करें और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का एक हम प्रयास करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन रहेगा, आप ज़रूर इसको याद रखिए, कोशिश करिए कि कितना अच्छे से इसको हम हैंडल कर पाते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो एक दो बार आप जैसे लिखेंगे स्टूडेंट तो ये आपको जनरली याद हो जाएगा, बट इज़ बहुत ही फंडामेंटल है, हर जगह इसका यूज होता है, तो इसको आप समझने का एक प्रयास करिएगा। तो सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।